जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 28 नवंबर 2021 दिन रविवार। रविवार भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान सूर्य देव का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज मार्गशीर्ष अग्रहण माह कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि होगी। अगले दिन सुबह 5:31 तक, सूर्योदय सुबह 6:16 और सूर्यास्त शाम 4:58, चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे रात्रि 12:43 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे दोपहर 12:54 पे। सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा सिंह राशि में। यह हेमंत ऋतु है, अयन दक्षिणायन रहेगा। योग वैधृति योग सुबह 6:37 तक, करण तैतील करण शाम 5:45 तक, उसके बाद वनिज करण। नक्षत्र की बात करें तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:06 तक। दिशा शूल की बात करें तो आज रविवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से धनिया और घी खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज रविवार का दिन है तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का पूजन करें। भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें तो लाभकारी होगा। भगवान सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जो पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। उस अर्घ के जल में थोड़ा सा लाल चंदन और सफेद पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें और मंत्र बोले कि यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप मान भक्त्या गृहाना अर्घ दिवाकर। इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें या ओम श्री दिवाकराय नमः या ओम श्री सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें तो लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा दोपहर 3:58 से शाम 4:58 तक। गुली कालम समय होगा दोपहर 2:17 से दोपहर 3:38 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:16 से सुबह 11:58 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया मुहूर्त 7 प्रकार की होती है जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया और 3 अशुभ चौघड़िया होती है। तो हम केवल जानेंगे दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 7:36 से सुबह 8:56 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:56 से सुबह 10:17 तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:17 से सुबह 11:37 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:57 से दोपहर 2:17 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:58 से शाम 6:38 तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:38 से रात्रि 8:17 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:17 से रात्रि 9:57 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:17 से
रात्रि 2:56 तक, उसके बाद फिर शुभ नामक शोभरिया मुहूर्त रात्रि 4:36 से सुबह के 6:16 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2078 आनंद है और शक संवत 1943 प्लव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।